पुरुषों पे होता है वो वजन खत्म हो गया, द वेट केम आउट फ्रॉम अहलुल बैत ड्यू टू रिवेंज। वयौमुल हयात, दिस इज द डे ऑफ लाइफ, ये जिंदगी का दिन है। इसी को यौमुल खीरा भी कहा गया, ये खैर का दिन है। यौमुल हुबुवा, ये हुबुवत का दिन है। दिस इज द डे ऑफ वर्चू एंड पाइटी। वयौमु रफ़इल कलम, इस दिन जितने गुनाह लिखे गए होते हैं वो माफ कर दिए जाते हैं। इस दिन फरिश्ते अपना कलम रख देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इस दिन गुनाह ज्यादा किए जाए, नऊज़ुबिल्लाह, नहीं, जो गुनाह किए हैं इस दिन की बरकत से वो माफ है। द सिंस आर फॉरगिवन इन दिस पर्टिकुलर डे। व यौमुल हदी, ये गिफ्ट का दिन है, एक दूसरे को गिफ्ट देने का, हदिया देने का। दिस इज द डे ऑफ गिफ्ट। व यौमुल आफिया, ये आफियत का दिन है, ये रिलैक्स होने का दिन है। व यौमुल अकीका भी कहा गया कि ये दावत का दिन है, दावत की जाए इस दिन में एक दूसरे की। दिस द डे ऑफ इन्विटेशन एंड डे ऑफ रिलैक्सेशन। व यौमुल बरकत, ये बरकत का दिन है, आज का दिन। दिस इज द डे ऑफ ब्लेसिंग। व यौमुल फारात, ये इंतकाम का दिन है, जिस दिन मुख्तार ने इंतकाम दिया। दिस इज द डे ऑफ रिवेंज बाई मुख्तार फॉर मार्टर्स ऑफ करबला अलैकुम सलाम। व यौम ईदुल्लाह अकबर अफ़ानी, आज की जैसे गदीर सानी है, अल्लाह की ये बड़ी ईद है, दूसरी बड़ी ईद है गदीर के बाद। दिस इज द सेकेंड बिगेस्ट ईद, ग्रेटेस्ट ईद ऑफ अल्लाह। यौम युस्तजाबु फीहि दुआ, इस दिन दुआएं कबूल होती हैं। दिस इज द डे व्हेन ऑल सप्लिकेशंस आर गोइंग टू बी एक्सेप्टेड। यौमुल मौकिफिल आज़म, इसको आप महशर समझ लीजिए, ये एक महशर का दिन है, दुनिया का महशर है। बिलीव इट एज डे ऑफ जजमेंट फॉर दिस वर्ल्ड। यौम तौलिया, ये विलायत का दिन है, दिस इज द डे ऑफ विलायत ऑफ अहलुल बैत। व यौम शर्त, ये शर्त का दिन है, कंडीशन का दिन है। यू विल मेक कंडीशन टू आल मुहम्मद दैट वी एंड आवर फैमिलीज, आवर चिल्ड्रन विल रिमेन ऑन योर विलायत। व यौम नज़ सवाद, ये जहालत के दूर करने का दिन है, एरोगेंस एंड इग्नोरेंस गोज अवे इन दिस पर्टिकुलर डे। यौम नदावत नदामत ज़ालिमी, ज़ालिम इस दिन नादिम हो गए, ऑपरेसर्स गॉट फेल्ड इन दिस डे। यौम तस्फीह, ये मुसाफहा का दिन है, एक दूसरे से मोमिन मुसाफहा करते हैं। दिस डे ऑफ ग्रीटिंग। यौम फरहत शिया, ये शिया की खुशी का दिन है, इस द डे व्हेन शियाज आर फुल ऑफ जॉय। व यौम तौबा, इस दिन भी गुनाह नहीं करना बल्कि तौबा करनी है। हर वो दिन ईद का दिन है जिस दिन बंदा तौबा करे, ये भी तौबा का दिन है। दिस इज द डे ऑफ रिपेंटेंस। व यौमुल इनाबा, ये अल्लाह की तरफ बरगश्त का दिन है। यू कम बैक टू अल्लाह सुभानहू व तआला इन दिस पर्टिकुलर डे, अल्लाह इज गोइंग टू एक्सेप्ट योर रिटर्न। व यौमु ज़कात उज़्मा, ये बड़ी ज़कात देने का दिन है, मुख्तार ने बड़ी ज़कात दी इंतकाम के जरिए, हम बड़ी ज़कात देंगे दीन की खिदमत के जरिए। इस द डे व्हेन यू गिव चैरिटी इन द वे ऑफ अल्लाह, चैरिटी ऑफ योर टाइम, चैरिटी ऑफ योर टैलेंट। व यौमुल फितर सानी, या ईद उल फितर सानी, जो स्टेटस ईद उल फितर का है वही आज ईद उल ज़हरा का है। दिस द डे ऑफ सेकेंड, दिस द डे विच इज काउंटेड एज सेकेंड डे ऑफ ईद उल फितर। व यौमु सबीलिल्लाह, ये अल्लाह का दिन है, दिस इज द डे ऑफ वे ऑफ अल्लाह, पाथ ऑफ अल्लाह। व
वयौम तजर्रुब रीक, ये खाने पीने का भी दिन है, यानी एक दूसरे को इन्विटेशन खाने खिलाए जाए, ये उसका दिन है। दिस डे व्हेन यू इनवाइट पीपल फॉर डिनर एंड लंच। वयौम रिदा, ये वो दिन है ईद ज़हरा का, जिस दिन अल्लाह राजी होता है, अहले बैत राजी होते हैं। अल्लाह विल बिकम राजी एंड अहले बैत विल बिकम सेटिस्फाइड विद आवर एक्शंस एंड डीड्स इन पर्टिकुलर डे। वयौम ईद अहले बैत, ये अहले बैत की ईद का दिन है। दिस द डे ऑफ ईद ऑफ प्रोजेनी ऑफ प्रॉफिट। वयौम ज़फरत बही बनू इसराइल, यही वो दिन था जिस दिन बनी इसराइल की तौबा कबूल हुई थी और वो कामयाब हुए थे। इस दिन कामयाबी का दिन है। दिस द डे ऑफ विक्ट्री। वयौम यकबल अल्लाहु आमाल अश्शिया, इस दिन अल्लाह शियों के आमाल को कबूल फरमाता है। द डे व्हेन अल्लाह एक्सेप्ट्स द डीड्स ऑफ शियास। वयौम तकदीम सदका, ये सदका देने का दिन है, राह खुदा में सदका दे। गिव चैरिटी इन द वे ऑफ अल्लाह। वयौम तलब ज़ियादा, इसमें जितना ज्यादा भी आप तलब करें अल्लाह आपको अता फरमाएगा, इसमें तलब करने की कोई लिमिट नहीं है। व्हाटएवर यू कैन आस्क, आस्क अल्लाह सुभानहु व तआला। वयौम क़त्ल अल मुनाफिक, इसमें सबसे बड़ा मुनाफिक क़त्ल हुआ। द डे ऑफ किलिंग ऑफ मेन हिपोक्रेट ऑफ द टाइम ऑफ प्रॉफिट। वयौम अल वक्त अल मालूम, ये क़यामत है, क़यामत से पहले क़यामत। This is the day of judgment before the day of judgment. वयौम सुरूर है अहले बैत, ये वो दिन है जिसमें आले मोहम्मद खुश हुए। इम्पॉसिबल पॉसिबल बना अहले बैत के लिए नौ रबीउल अव्वल के दिन। इम्पॉसिबल बिकेम पॉसिबल इन दिस पर्टिकुलर डे ऑफ ईद-उज़-ज़हरा। वयौम शाहिद वयौम मशहूर, यौम शाहिद इत्तेफाक से जुमा भी है, ये भी शाहिद है, और आज का जो दिन है ईद-उज़-ज़हरा, ये शाहिद भी है मशहूर। वयौम यअज़ु ज़ालिमु अला यदैहि, ये वो दिन था कि जिस दिन ज़ालिम अपने हाथ काटेगा। इस दुनिया में कातिलाने हुसैन ने अपने हाथ काटे और क़यामत में भी दुश्मनाने अहले बैत काटेंगे। दिस वाज़ द डे व्हेन किलर्स ऑफ इमाम हुसैन वर कटिंग देयर हेड्स बाय देयर टीथ। वयौमुल क़हर अलल अदुव, ये ग़लबे का दिन है, दुश्मन पर गलबा हुआ। इस डे ऑफ विक्ट्री ओवर द किलर्स ऑफ इमाम हुसैन। वयौम हदम दलाला, ये वो दिन है जिस दिन गुमराही किसी हद तक एक स्टेज गुमराही की खत्म कर दी, कि दुनिया में कोई कातिल हुसैन आज के दिन से ज्यादा, बल्कि वो भी राजी थे कत्ल हुसैन पर। द डे व्हेन मिसगाइडेंस वाज डिमोलिश्ड बाय द रिवेंज ऑफ इमाम हुसैन। वयौम तंबीह, ये दिन वार्निंग का दिन है, तंबीह का दिन है कि इमाम हुसैन के कातिलों के साथ अगर ये हो सकता है तो दीगर अहले बैत के कातिलों के साथ भी ऐसे सलूक होगा। इस दुनिया में ना हुआ तो आखिरत में जरूर होगा, तंबीह का दिन। दिस इज द डे ऑफ वार्निंग फॉर द किलर्स ऑफ प्रोजेनी ऑफ प्रॉफिट। यौम तरसीद, ये ताक का दिन है, ताड़ने का दिन है, ताड़ा गया कि कोई बाकी तो नहीं रह गया कातिल। ये तरसीद का दिन है, रसदगा लगाने का दिन है। This was the day of finding the killers of martyrs of Karbala, and they couldn't find anyone. That's it. वयौम शहादा, ये गवाही का दिन है, आप गवाही देंगे। मुख्तार ने गवाही दी कि आज रूए जमीन पर कोई कातिल जिंदा नहीं, आप गवाही देंगे कि हम मुख्तार से ऐसे ही वफा कर रहे हैं जैसे मुख्तार ने अहले बैत से वफा की। आज गवाही का दिन है। Today is the day of witness. We are witness that we are supporter of Ahlul Bayt inshallah and will remain same. Wayawm at-tajawuz anil mu'minin, aaj ke din Allah mu'minon ke gunahon par qalam e af kar diya hai. Today Allah erases and deletes all the sins of lovers of Ahlul Bayt. Wayawm wa who have the Toyota Sienna black TLC and Apple Park. वयौम ज़हरा, ये यौम ईद ज़हरा। वयौम अज़ूबा, ये वो दिन है कि जिस दिन हम आराम से आले मोहम्मद
आराम से हैं और हमारे दिल ठंडे हो गए। आले मोहम्मद के भी दिल ठंडे हो गए और हमारे दिल भी ठंडे हो गए। टुडे इज ईद उल ज़ोहरा एंड टुडे द हार्ट्स ऑफ अहले बैत एंड हार्ट्स ऑफ शिया आर रिलैक्स। व यौमुल मुस्तताब, टुडे इज अ ग्रेट डे, आज बहुत बड़ा दिन है। व यौमु ज़िहाब सुल्तान अल मुनाफिक, आज के दिन एक मुनाफिक की हुकूमत भी खत्म हुई थी। टुडे इज द डे व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ एन ऑपरेसर हिपोक्रेट वाज एंडेड। यौमु तस्दीद, आज इरादे का दिन है, मुसम्मम इरादा करना है कि हम इंशाल्लाह जब तक जिंदा हैं आले मोहम्मद के रास्ते पे रहेंगे और अपनी नस्लों को भी ये वदियत करके जाएंगे, नसीहत करके जाएंगे, वो भी आले मोहम्मद के रास्ते पे रहे। ये तस्दीक का दिन है। टुडे इज द डे ऑफ डिसीजन फॉर द लव ऑफ अहले बैत। वी विल कीप ऑन द वे ऑफ अहले बैत एंड विल कीप आवर जनरेशन ऑन द वे ऑफ अहले बैत। ويوم يستريح في المؤمنون فيه المؤمنون, आज के दिन मोमिन इस्तराहत में है, आले मोहम्मद इस्तराहत में है, पहले अर्ज किया, आज के दिन मोमिन भी राहत में है कि अल्हम्दुलिल्लाह इंतकाम खून हुसैन मुकम्मल हुआ। टुडे ऑल द बिलीवर्स आर इन रिलैक्स, देयर रिवेंज वाज कंप्लीटेड। यौमुल मुबाहलत थानी, ये दूसरा मुबाहला है, ये हजरत अली बता रहे हैं, हाँ ऐसे गदीर दूसरी है, ईद उल फितर दूसरी है, ये दूसरा मुबाहला है। आज आज की ईद बहुत बड़ी ईद है, दिस इज द सेकंड मुबाहला। ये मुबाहला सानी है। यौमुल मुफाखरा, ये प्राइड का दिन है, फख्र का दिन है, इस पे फख्र मुबाहात कर सकते। वी आर प्राउड दैट वी आर लवर्स ऑफ अहले बैत, टुडे इज द डे ऑफ प्राइड। वयौम कबूल अल अमाल, आज के दिन जो अमल करेंगे वो कबूल होगा, जो भी अमल करेंगे आज के दिन कबूल होगा। एक तकबीर कहेंगे वो कबूल है, एक जुमा पढ़ेंगे वो कबूल है, एक असर पढ़ेंगे वो कबूल है, एक पारा पढ़ेंगे, आज जो भी अमल करें कबूल है। टुडे अमाल डीड्स आर बीइंग एक्सेप्टेड। वयौम तबहील, आज तबहील का दिन है। यौम इज़ाअत सिर, आज उस सीक्रेट को डिस्क्लोज करने का दिन है जो आले मोहम्मद का सीक्रेट है। यौम नसर मज़लूम, आज मज़लूम की नुसरत का दिन है। यौम ज़ियारत, आज के दिन एक दूसरे को विजिट करने का दिन है, विजिट वन एंड अदर। यौम तवद्दुद, आज का दिन मवद्दत का दिन है। यौम तहब्बुब, आज का दिन मोहब्बत का दिन है। टुडे इज द डे ऑफ लव, टुडे इज द डे ऑफ हारमोनी। व यौमुल वसूल, आज का दिन है जब हम आले मोहम्मद से हदिया वसूल करते हैं कि वो हमारी सफारिश करते हैं आज के दिन अल्लाह की बारगाह में कि हमारे चाहने वाले को माफ़ कर दें, आज उनसे हम हदिया वसूल करते हैं। यौमुल वसूल, टुडे वी रिसीव गिफ्ट फ्रॉम अहले बैत दैट दे वेरीफाई अस बिफोर अल्लाह टू फॉरगिव अस। व यौमुत तज़किया, आज तस्किया तो नफ्स का दिन है, आज के दिन हमारा दिल भी पाक होता है, हमारे बदन भी पाक होते हैं, हमारी नस्लें भी पाक होती हैं, हमारा माल भी पाक होता है। टुडे इज द डे ऑफ क्लीनलीनेस। व यौम कशफिल बिदअ, आज बिदअतों के दूर फेंकने का दिन है, बिदअतें सारी की सारी दूर चली गई क्योंकि बिदअती सारे के सारे आज के दिन मारे गए। व यौम ज़ुहद फिल कबाइर, आज के दिन बड़े गुनाहों से दूर रहने का दिन है। टुडे ऑल बिदअती पीपल गॉट किल्ड एंड टुडे वी प्रॉमिस टू अल्लाह टू नॉट कमिट मेजर सिंस और माइनर सिंस। व यौम तज़ावुर, आज एक दूसरे की विजिट करने का, ज़ियारत करने का, एक दूसरे के एहतराम का, एक दूसरे की टेक केयर का दिन है। व यौम मुआइज़ा, आज के दिन भी नसीहत को तर्क नहीं करना। व यौम इबादा, आज के दिन में फजूलियात पर नहीं गुजारना बल्कि इबादत करनी। टुडे इज आल्सो डे ऑफ वर्शिप, डे ऑफ एडवाइस। व यौमुल इस्लाम, आज इस्लाम का दिन है। टुडे इज डे ऑफ इस्लाम, गदीर इस्लाम की तकमील का दिन है और ईद ज़हरा खुद इस्लाम का दिन है। यौमुल इस्लाम, टुडे इज डे ऑफ इस्लाम। व यौमुल इंतिसार शिया, आज शिया की मदद का दिन है, जहां जहां शिया है उनकी मदद का ऐलान किया जाए। टुडे वी प्रॉमिस टू हेल्प शियास
ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो यौम फतह आज कंकर होने का, विक्ट्री का दिन है, फतह का दिन है। वो यौम नफी हमूम आज कोई तकलीफ बाकी नहीं रही। वो यौम नुहैल वन नुहैला आज मिठाई का दिन है, आज स्वीट दिन है, और स्वीट टू ईट स्वीट इन दिस डे आज मिठाई का दिन है। वो यौम शुक्र आज थैंकफुलनेस का शुक्र का दिन है। दीज आर 72 names of Eid al-Zahra which were mentioned by Imam Ali. ये 72 नाम हैं जो मौला अली अलैहिस्सलाम ने हुज़ैफ़ा को बताए, और हुजूर अपने दौर में इस दिन को मनाते थे। अगरचे दिन तो बाद में आएगा, नौरबिलोवर को हुजूर बकायदा खाना खिलाया करते थे, सिर्फ इमाम ज़हराउद्दीन ने शुरू नहीं किया, बल्कि हुजूर बिफोर रिवेंज ऑफ इमाम हुसैन भी इस दिन को मनाया करते थे, और हसन हुसैन से कहते थे कि आज के दिन अच्छे खाने खाओ, इसलिए कि आज के दिन आपकी माँ की हसरत पूरी होगी और आपकी माँ की बददुआ पूरी होगी। तो आज का दिन शियाने अली के लिए बहुत बड़ी ईद का दिन है। अल्लाह ताला आज के दिन की इबादात को हम सब से कबूल हो मंजूर फरमाए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम वल असर वल इंसान वल फिरदौस इल्ला लजीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक व तवासौ बिल सबर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله والصلاة على آلها أما بعد توبوا إلى الله توبة نصوحا مؤمنين الكرام آج جیسا کہ میں نے 72 نام آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کیے یہ 72 نام صرف ایک حدیث میں نام تو اور بھی ہیں ایک حدیث میں جو مولا علی نے بیان کیے ہیں وہ 72 نام ہیں میں نے زندگی میں کبھی بھی مولا علی کی یہ مکمل حدیث بیان نہیں کی آج زندگی میں پہلی مرتبہ بیان کی پوری یہ بہار سے میں نے بیان کی ہے 62-63 تک میں بیان کر چکا ہوں آج میں نے پورے 72 کے 72 نام بیان کیے ہیں تو آج کے دن بہت بڑا دن ہے مگر آج کے دن کی بھی کچھ تقاضے ہیں بعض ہمارے بھائی تو وہ ہیں کہ جو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ عید کا مطلب کھانا پینا ہے ایک دوسرے کو مبارکباد دینا ہے نہیں ہرگز نہیں عید اس کے لیے لمن لا ذنب لہ جو گناہ نہ کرے اس کے لیے آج کے دن عید زہرہ کے دن اگر ہم یہ کہیں کہ یا اللہ 2 مہینے 8 دن ہم نے تیرے چوزن جو پیپل تھے تیرے جو چنے ہوئے لوگ تھے ان کی عزاداری کی ڈٹ کے 2 مہینے 8-9 دن ہم مسلسل کالے لباس میں رہے ہم مسلسل پریشان رہے روتے رہے ماتم کرتے رہے یا اللہ آج جائزہ کا دن ہے عید کیونکہ جائزہ کا دن ہوتا ہے گفٹ کا دن ہوتا ہے نتیجے کا دن ہوتا ہے آج نتیجے کا دن ہے یہ جو 2 مہینے 8 سے 9 دن چادرات کو ملانے تو 9 دن بن جاتے ہیں ورنہ 8 دن ہے تو یہ جو ہم نے 2 مہینے 9 دن خدمت کی ہے کل تک اس کا جائزہ اس کا گفٹ یہ عطا کر کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے یا اللہ کہ آج تک بھی اگر ہمارے یہاں کوئی کوتاہیاں تھیں تو آج سے حقوق اللہ کی بابت حقوق الناس کی بابت ان کوتاہیوں کو ہم ختم کر دیں اپنے ڈیوز کو ہم ادا کریں جو اللہ کے ڈیوز ہیں وہ بھی ادا کریں جو فیملی کے ڈیوز ہیں وہ بھی ادا کریں جو بھائی بہنوں کے ڈیوز ہیں وہ بھی ادا کریں حقوق کو ہم ایزی نہ لیں اور خاتمہ الخیر کی دعا کریں اپنی جنریشن میں بھی اس چیز کو عام کریں بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو عموماً لوگ سمجھتے ہیں وہ عید کے دن کو یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھٹھا و مذاق میں حتیٰ کہ عید الفطر میں بھی آپ کو یاد ہوگا عید قربان میں عید پڑھنے کے فوراً بعد ناچ گانے شروع ہو جاتے ہیں یہ عیدیں ناچ گانوں کے لیے نہیں ہیں یہ عیدیں صرف اور صرف کھانے پینے کے لیے نہیں ان عیدوں میں ایک ذریعہ بنایا گیا ہے کہ
इनके जरिए से तौबतुन नसूहा की किश्ती का सवाल जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद का अहद करें, जिक्र खुदा मसलन कुरान की तिलावत है, मसलन नमाज है, मसलन तहज्जुद है, आज के दिन अहद करें कि अगर हम तहज्जुद नहीं पढ़ते थे तो आज से हम तहज्जुद पढ़ना शुरू करते थे, आज तक अगर हम कुरान नहीं पढ़ते थे डेली आज से हम कुरान पढ़ना शुरू कर लेंगे, आज से हम गीबतें तोहमतें हसद निफाक बोस किब्र निखवत ये सारी चीज़ें छोड़ देंगे। जुमे का असल हदफ भी यही होता है, जुमे के दूसरे खुतबे में हम अपने आप को तौबा की किश्ती पर सवार करते हैं। टुडे इज ईद ऑफ ज़हरा, ईद इज नॉट ओनली टू सेलिब्रेट इट, टू ईट एंड ड्रिंक, टू प्ले, टू हैव एंटरटेनमेंट, ईद इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू आवर इमाम मन ला ज़म्बला हु हैज़ नो सिन has eaten. So today we ask Allah, today is the day of result, day of gift, day of reward. We ask Allah, we beseech Allah to reward us for the mourning and sadness which we had, the zikr of Ahlul Bayt which we had 2 months and 8 to 9 days. May Allah accept it and may Allah give us capability to do it more and more in next year and next years, inshallah. And may Allah keep it in our generation as well. This is the way, this is the day when we can ask Allah subhanahu wa ta'ala at least those 72 demands which Imam Ali told us, the name, these are basically the questions and demands from Allah subhanahu wa ta'ala. So I will urge all of you to please keep in your mind today is very big Eid, great, one of the greatest A'yad of Shia. We have to promise with Allah and Ahlul Bayt that inshallah we'll try our best to keep ourselves on the track of Ahlul Bayt and we'll become pious people inshallah on the surface of earth and loyal people to Ahlul Bayt. आखिरी बात करें और आपसे इजाज़त लें, एक बात जो ज़रूरी है वो ये है, पहले तो मैं दुआ करता हूँ कि अनाहे आलम में जहाँ जहाँ जुल्म हो रहे हैं अल्लाह उन मज़ालिम का खात्मा फरमाए, ज़ालिमों को अल्लाह नेस्त व नाबूद फरमाए और मज़लूमों की अल्लाह दाद रसी फरमाए। हज़रत हुज्जत के ज़ुहूर में ताजील हो, जितने भी मोमिनीन आज ईद ज़हरा के दिन जुमा की नमाज में तशरीफ़ लाए हैं, आप सब से ये जुमा कबूल और आज ही अल्लाह ताला ईद ज़हरा के दिन और जुमा के दिन हमारे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारे माँ बाप के गुनाहों को माफ़ फरमा दे और हमारे मरहूमीन के दर्जात को बरकत फरमा दे, हमें सेहत और सलामती के साथ लंबी जिंदगी अता फरमा दे, जो बीमार है अल्लाह मंजूरी शिफाए कामिल व आजिल अता फरमाए, जो मकरूज़ हैं अल्लाह उनके कर्ज अता फरमाए, हमारे सदर के कर्जों को भी अल्लाह अता फरमाए और हमारी कौम को भी अल्लाह तौफीक दे कि $100 पर फैमिली की मेम्बरशिप लें ताकि हम इंशाल्लाह इस सत्र को भी ताकि क़यामत इंशाल्लाह इसी तरह रवान तमाम कर सकें। सलात व सलाम अला रसूल करीम सैयदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला इमाम मुस्लिमीन व क़ायद अल-क़ुर्र अल-मुहज्जरीन अली इब्न अबी तालिब व अला सैयदत निसा अल-आलमीन फातिमा व अल-हसन व अल-हुसैन सैयदा अश-शबाब या अली व अली इब्न हुसैन मुहम्मद इब्न अली व जाफर इब्न मुहम्मद मुसा इब्न जाफर محمد بن علي ولي محمد الحسن بن علي والخلف الحجة القائم المهدي اللهم عجل لنا فرجه وسهل لنا مخرجه واكفنا بنا من نظرة من اله واجعلنا من المستشرقين بين يديه ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون